हर पल आपके साथ। बरेली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष व विधायक, कहा कि नहीं चाहिए हम दो हमारे दो की सरकार। जिला कांग्रेस कमेटी बरेली द्वारा तहसील मीरगंज की न्याय पंचायत चुरई दलपतपुर में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 काले कानूनों के विषय में किसानों को विस्तार से बताया गया। किसान चौपाल में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक अजय कुमार लल्लू ने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं पर बोलते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। जिस तरह से किसानों पर काले कानून थोपकर भाजपा की केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचा रही है, ये कृत्य देश के किसानों की कमर तोड़ देगा। यह देश कृषि प्रधान देश रहा है और हमेशा रहेगा, और जब देश अन्नदाता दुखी होगा तो देश कैसे खुश रह सकता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ने कहा कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर अभी पिछले दिनों उन्नाव, हाथरस और बदायूं में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध कौन कर रहा है और सरकार उन पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है। इसी के साथ बेरोजगारी पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर साल 14 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन 14 लाख युवाओं को रोजगार देना तो सरकारी नौकरी की प्रक्रिया भी अटका रखी है। जब जब युवा नौकरी की मांग करते हैं तब तब सरकार उन पर लाठियां बरसाती है। प्रदेश महासचिव ब्रह्मा स्वरूप सागर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस हर गरीब मजदूर को उनके हक दिलाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़कर जन समस्याओं को उठाए हुए है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकल जी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा सरकार की हर गलत फैसलों का पुरजोर विरोध करती है। यह विरोध कांग्रेस ने हमेशा ही जनहित में किया है। बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। 200 से अधिक किसानों ने शहादत 85 दिन। प्रधानमंत्री जी सदन में किसानों का उपहास उड़ा रहे हैं। ये देश लोकतंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार और जनता के साथ विश्वासघात, हर धर्मिता, सत्ता के दम पर अहंकार में आप किसानों की आवाज दबा देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बिल विधेयक के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ है। शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के ऊपर किसी ने जाति की दमन करने के बारे में सोचा भी, कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह किसानों के साथ खड़ी होगी। शांतिपूर्वक आंदोलन का कांग्रेस पूरी तरह समर्थन करती है और उनकी आवाज किसी कीमत पर दबने नहीं। जिला पंचायत चुनाव कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उन्नाव की घटना उदाहरण है कि ये सरकार किस तरह कानून व्यवस्था में फेल है। जंगल राज, गुंडा राज हो गया है। अपराधी बेकौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 3 बहनों जो चारा लेने गई थी, 2 बहनों को पेड़ में बांध देने और एक जीवन और मौत के अंतिम सांस में जुड़ रही, उसके इलाज की भी प्रॉपर व्यवस्था सरकार ने नहीं की। चंदा मांग के लोग इलाज करा रहे हैं, जैसा कि मीडिया बंधुओं ने दिखाया। इस घटना की जांच होनी चाहिए और तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार बताए कि आखिर इस तरह की घटना कैसे हुई और कौन लोग इन्वॉल्व रहे। पंचायत चुनाव को लेकर अभी मैं किसान बिल के लिए आया हूँ, आप किसान पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है? वो बिल्कुल बता दिया जाएगा। आज हम किसान पंचायत में, किसानों पर अगर कोई सवाल हो सर तो। सरकार कह रही है कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस गांव गरीब की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। हरित क्रांति, नहरों का जाल, किसानों का कर्जा माफ, कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी आज जिस तरह यह सरकार किसानों के ऊपर विश्वासघात कर रही है, किसानों के साथ 850 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। कर्ज माफी की बात की थी, आय दोगुने की बात की थी, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन सरकार ने फसल का दाम, बिजली का दाम बढ़ गया, सरकार ने फसल का दाम नहीं बढ़ाया। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात की थी सरकार ने, 10,000 करोड़ से अधिक का गन्ने का बकाया है, 1 रुपया सरकार ने रेट न बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार किसान विरोधी है। जिस तरह से आंदोलनजीवी कहकर प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले संसद में भाषण दिया था, वहीं राहुल गांधी जी ने
अपने भाषण में दो और दो चार कहकर, हम दो हमारे दो कहकर जो सत्ताधारी पार्टी पर तंज कसा था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार बड़ा स्पष्ट है, हम दो और हमारे दो की सरकार है, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसके बारे में बहुत ठीक से विस्तार पूर्वक समझाया। कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति को यह सरकार सौंपना चाहती है। देश जो कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण अंचलों की पूरी अर्थव्यवस्था उस कृषि पर आधारित है, और किसानों की जमीन को छीन कर यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देती। बहुत बहुत अभी के बारे में क्या कहेंगे? अरे भैया, किसान की बात कर रहे हैं। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।